दोस्तों, हम सभी के घर से सब्जी छिलके आदि के रूप में इस प्रकार से डेली बहुत सा कूड़ा निकलता है, जिसे आप प्लास्टिक की थैलियों में डाल के कूड़े में डाल देते हो और जाने अनजाने पर्यावरण के प्रति पाप के भागी होते हो। देखिए, मैं अपने घर पर पिछले कुछ वर्षों से ये प्रयोग कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको एक इसका डेमो भी दूंगा। ये मैंने जूस से बचा हुआ मटेरियल और छिलके आदि इसमें डाले, और अब मैं इस पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगा। इसी प्रकार ये घड़ों में भी मैं तैयार करता हूँ खाद। छिलके 1 या 2 दिन सुखाने के बाद ये घड़ों में ऐसे डाले, या ये पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तन आदि में, और अब मैं इसमें थोड़ी सी हर 2-4 इंच के बाद 1-1.5 इंच इसमें ऐसे मिट्टी डाल देता हूँ। देखिए, और 1-1.5 महीने के अंदर ये सब खाद का रूप ले लेती है। और सूखने के बाद ये काफी दब भी जाता है। मुझे अपने पौधों के लिए मिट्टी भी बहुत कम लेनी पड़ती है, और खाद तो मैं लेता ही नहीं हूँ। ये इसी प्रकार से मिट्टी का बर्तन है, जिसे हम गर्मियों में लेके आए थे। मिट्टी के बर्तन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बदबू नहीं आती है। ये हमने थोड़ी सी मिट्टी डाली और ढक्कन लगा दिया। इसी प्रकार से ये घड़ा, जो कि गर्मियों में इस्तेमाल हुआ था, इसमें भी खाद तैयार करने का प्रोसेस चल रहा है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत थोड़ी सी मिट्टी में अपने घर बहुत से पौधे तैयार करे हैं। पहले मैं किसी भी ड्राम में घर की बची हुई सब्जी छिलके और पत्ते आदि इकट्ठे करता रहता हूँ, मिट्टी डालता रहता हूँ, खाद बन जाती है तो उसमें पौधा लगा देते हैं। तो प्लास्टिक को अवश्य अलग करें अपने घर से। अगर आप प्लास्टिक को सब्जी छिलकों आदि के साथ डालोगे, तो जाने अनजाने अनेकों जीवों की हत्या का दोष आपके जिम्मे आएगा। आइए, प्रकृति का संरक्षण अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करें।